Very good morning students, welcome back after summer vacations. Hope you all are fine. Again we will start our chapter with this pledge. So let us take a pledge with me. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we'll start second chapter. You can see the name of the chapter is the Vedic period. The coming of Indo-Aryans. The coming of Indo-Aryans. The Aryans originally lived in Central Asia and the region around the Caspian Sea. यहाँ रहते थे और Central Asia में और Caspian Sea है उसके area उसके around. Forced by shortage of food and fodder. They left their original homes. तो food की कमी के कारण उन्हें अपने घर जो original home है वो छोड़ने पड़े. Some of them went to Europe while others came to India through the passes of Hindu Kush around 1500 BC. तो इनमें से बहुत से इनमें से कुछ तो ये वो यूरोप में मूव हो गए और उसमें से कुछ जो है हिंदू कुश पास के थ्रू इंडिया में आ गए नियर अबाउट 1500 BC में. दोज हु केम टू इंडिया जो लोग सेंट्रल एशिया से या कैस्पियन सी के अराउंड से यहाँ मूव हो गए इंडिया में उसको बोलते हैं इंडो आर्यंस. दोज हु केम टू इंडिया केम टू बी नोन एज इंडो आर्यंस. द आर्यंस वॉज सेटल्ड इन पंजाब. The civilization developed during this age came to be known as Vedic civilization. तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ वो कहाँ सेटल हुए पंजाब में. The civilization जो उन्होंने develop की during this age that is known to be as Vedic civilization. उसको वैदिक सिविलाइजेशन के नेम से जाना जाता है. बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस द वैदिक सिविलाइजेशन इट विल बी यूजफुल फॉर अस टू हैव सम आइडियाज अबाउट इट्स सोर्सेज. तो जो है वैदिक सिविलाइजेशन इसके बारे में पढ़ने से पहले ये यूजफुल रहेगा कि हम इसके जो सोर्सेज है सिविलाइजेशन के इंडो आर्यंस लोगों के उनको पढ़ लें. द वैदिक लिटरेचर तो सबसे मेन सोर्स क्या रहा है वैदिक सिविलाइजेशन का दैट इज वैदिक लिटरेचर. वो रहा है वैदिक लिटरेचर. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन आर द वेदास. तो इस लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर है सोर्स है लिटरेचर का वो है वेदास. वेदास मीन्स नॉलेज. वेदास का मीन्स क्या होता है नॉलेज. द वेदास आर नाइदर एन इंडिविजुअल रिलीजियस बुक. तो जो ये वेदास है ना तो जो कोई एक रिलीजियस बुक है और ना ही बहुत सी बुक्स को मिलाकर कोई एक बुक बनी है. द वैदिक लेटर हैड ग्रोन इन द कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज. तो बहुत सी सेंचुरी में जो वैदिक लिटरेचर है वो ग्रोन अप हुआ है बना है. इसको बनने के लिए सेंचुरीज बनी है लगी हैं और ये क्या है ये एंड वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाई वर्ड ऑफ माउथ. तो ओरली ही एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को ये लिटरेचर जो है हैंड ओवर किया है. तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव क्लासेस ऑफ लिटरेरी क्रिएशंस. तो इस टाइम की लिटरेचर की लिटरेरी क्रिएशंस में 3 सक्सेसिव क्लासेस है. सम ऑफ दिस स्टिल एग्जिस्ट कुछ अभी भी एग्जिस्ट करती है बट मैनी हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर एवर. और बहुत सी जो है जो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है. तो दीज 3 क्लासेज आर वो 3 क्लासेज कौन सी है. फर्स्ट है द वेदास है जो ठीक है. उसके बाद ब्राह्मणास है आर्यांकास है उपनिषदास है. दीज आर द 3 क्लासेस. फर्स्ट वन द वेदास. द कलेक्शन ऑफ हिम्स प्रेयर्स चार्म्स लिटानीज एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज दीज आर 4 वेदास. तो 4 वेदास है. फर्स्ट वन है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स. इट हैज अबाउट 1028 हिम्स. दीज हिम्स हाईलाइट द पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द ऋग्वैदिक इंडिया. तो ऋग्वैदिक इंडिया
के उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और रिलीजियस कंडीशंस कैसे थे, ये ऋग्वेद में बताया गया है। तो हिम्स क्या बोल सकते हैं, भजन बोल सकते हैं ना, इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो हिम्स की कलेक्शन है, इतने हिम्स है इसमें 1028। तो इससे हमें उस ऋग्वैदिक टाइम की लाइफ का पता चलता है। तो सेकंड वेदा इज सामवेदा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। सो सामवेदा में क्या है, सॉन्ग्स है, जो मोस्टली वो सॉन्ग्स कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से। नेक्स्ट वेदा इज यजुर्वेदा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूलाज। तो इसमें सेक्रीफिशियल फार्मूलाज बताए गए हैं कि कैसे 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 सेक्रीफाइस किए गए थे। अथर्व वेदा, फोर्थ टाइप ऑफ वेदास इज अथर्व वेदा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स, जादुई दुनिया के बारे में। अ स्टडी ऑफ अथर्व वेदा रिवील्स दैट, तो इसकी स्टडी क्या रिवील करती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द आर्यंस डिस्कार्डेड नेचर वर्शिप एंड डेवलप द वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स। तो इस ये क्या रिवील करती है, क्या प्रकट करती है कि क्या हुआ था इस टाइम में, आर्यंस ने जो नेचर वर्शिप है, कुदरत की जो पूजा है, इसको बंद कर दिया था एंड डेवलप द वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स। तो स्पिरिट्स की जो पूजा है वो स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, शक्तियों की पूजा स्टार्ट कर दी थी। द वेदास फॉर्म द अर्लीस्ट सेगमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड अमंगस्ट देम वेदास ऋग्वेदा इज द oldest. तो इसमें से oldest वेदास कौन सा, that is a ऋग्वेदा। सो वी हैव four वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववा वेदा। तो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, दैट इज ब्राह्मणास। दीज आर प्रोज टेक्स्ट विच कंटेन डिटेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक हिम्स, देयर एप्लीकेशन, स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन एटसेट्रा। इन अ वे दीज कंटेन डिटेल्स अबाउट रिचुअल्स एंड फिलोसफीज। तो उस टाइम के रिचुअल्स क्या थे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ आर्यंस का, ठीक है, जो हिम्स हैं उसके बारे में मीनिंग उसके इसमें ब्राह्मणा में बताए गए हैं। अर्यंकस एंड उपनिषदास, द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास आर नोन एज अर्यंकस। तो ब्रह्मणास का कंक्लूजन किस में मिलता है, अर्यंकस में। द डील्स दे डील्स विद फिलोसफी एंड मिस्टिज्म। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ उपनिषदा, उपनिषदा क्या है, टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के पास बैठना। इट डोनेट्स पीपल सिटिंग नियर इज गुरु और टीचर फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन फॉर द ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्राइन। सो दीज वर थ्री क्लासेस, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आयरन एंड पोएट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द आर्यन पीपल। अलोंग विद वेदास मैनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एज डिस्कस अर्लियर द आर्यन मूव्ड साउथ ईस्ट एंड फाइनली सेटल इन द एरिया शोन इन द मैप। तो ये आर्यन्स थे, ये मैप में दिखाया, यू कैन सी द मैप, इट इज़ ऑन पेज नंबर 79। तो क्या है कि आर्यंस मूव्ड साउथ ईस्ट एंड फाइनली सेटल्ड इन द एरियाज में सेटल्ड हो गए थे, ठीक है, एज अ पेस्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड किंगडम्स। तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज बन गई थी इनकी, पेस्टोरल मीन्स फॉर उस टाइम वो एग्रीकल्चर तो करते थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज तो थी, बट वो ग्रेजिंग वगैरह ही करते थे बस, वो उनके घर तक ही सीमित थी पेस्टोरल एग्रीकल्चर। फॉर दीज पीपल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेस्टोरल टू सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज टुक बिटवीन 1000 to 1500 years, the period lasting until about 700 to 600 BC. तो क्या है कि ये जो लोग थे आर्यंस थे, ये हमें सोर्सेज में मिलता है कि इन जो जे पेस्टोरल एग्रीकल्चर से सेट्रल एग्रीकल्चर से आने ट्रांस
ट्रांसफॉर्मेशन में आने से पेस्टोरल से सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में शिफ्ट होने में 1000 थे 1500 ईयर्स लगे. द पीरियड लास्टिंग अनटिल अबाउट, तो ये पीरियड 1700 से 1600 BC का है. इस टाइम में क्या हुआ कि जो पेस्टोरल एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर में, पेस्टोरल एग्रीकल्चर में सिर्फ हम कंसीडर करेंगे ग्रेजिंग अपने घर तक सीमित, कि घर में खेती की और अपन एक चीज़ हमने पैदा की, एक दूसरे ने पैदा की, जो उसको चाहिए उसको दे दिया, जो हमें हमारे पास है वो हमने उससे ले लिया, एक दे दिया. बट उसके बाद ये सिर्फ घर तक नहीं सीमित रह गई, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में प्लेस हो गई. फॉर द आर्यंस द पीरियड ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर कम्युनिटीज वर कैरेक्टराइज बाय वार एंड स्ट्राइफ अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन. तो जो आर्यंस का जो पीरियड था, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर, ये हमें कहाँ से दिखता है, उनकी जो उनमें वार होती रहती थी, ठीक है, स्ट्राइफ ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल, से वहाँ रहने वाले लोकल लोगों की वार के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और स्ट्राइफ से पता चलता है. देवर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मिनरल डिपॉजिट्स एंड ओर्स, एंड दे क्लियर डेंस फॉरेस्ट फॉर दीज पर्पसेस. तो वो क्या है, वो कॉन्स्टेंटली सर्च करते थे एग्रीकल्चर लैंड की, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, मिनरल डिपॉजिट्स के लिए, ओर्स के लिए, एंड क्या करते थे, जो उस टाइम डेंस फॉरेस्ट थे उसको इस पर्पज़ के लिए ओर्स निकाले गए या मिनरल डिपॉजिट्स के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए उनको क्लियर करते थे डेंस फॉरेस्ट्स को. इन द ऋग्वैदिक पीरियड आर्यंस ग्रुप्स वर ऑलवेज ऑन द मूव एंड इन कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ विद ईच अदर और विद द लोकल नॉन आर्यंस. तो जो इंडो आर्यंस थे और जो वहाँ पहले रहने वाले आर्यंस थे, उनमें जो स्ट्राइफ था, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड्स में वो कॉन्स्टेंट चलता रहता था. देयरफॉर दे डिडंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए. द मूवमेंट ऑफ द आर्यंस टुवर्ड्स साउथ ईस्ट इज सपोर्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रेड वेयर, ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो ये वेस्टर्न डिस्कवरी ऑफ रेड वेयर क्या है, इसमें क्या है, द पोल्ट्री वॉज मेड ऑफ वेल लेविगेटेड क्ले विद लिटल टेम्परिंग मटेरियल एंड आ स्ट्राइकिंगली लस्ट्रस सरफेस. जिसके जो सरफेस बने होते थे, ये पोल्ट्री थी, बड़े अच्छे तरह से बने होते थे, जो इसके सर्फेस थे बड़े शानदार शाइनी होते थे. ठीक है, क्राफ्टमैन सच एज वुड वर्कर, कैबिनेट एंड चैरियट मेकर्स, मेटल वर्कर्स एंड शिप बिल्डर्स वर फ्री मेंबर्स ऑफ द ट्राइब. तो इस ट्राइब में ये मेंबर्स भी थे, क्राफ्टमैन, क्राफ्ट का वर्क करने वाले, ठीक है, वुड वर्कर्स वुड का वर्क करने वाले, ठीक है, और चैरियट मेकर्स वो रथ वगैरह बनाने वाले. वीविंग एंड स्पिनिंग वॉज डन ओनली बाई वीमेन. तो सिर्फ वीविंग और स्पिनिंग, बुनना वगैरह का काम लेडीज करती थी. सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मंथ. वील कॉन्टिन्यू विद अनदर टर्म्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.